तो फ्रेंड यह है हमारे पास में वायरलेस रिमोट कंट्रोल स्विच, जिसकी मदद से आप पंखे, ट्यूबलाइट और अपने घर की सारी लाइटों को कंट्रोल कर सकते हैं। इसे आपके घर के स्विच बोर्ड में लगाना होता है, जिसकी मदद से आप घर के पंखे, ट्यूबलाइट वगैरह कंट्रोल कर सकते हो सिर्फ एक जगह बैठे हुए। और यह आता है हमारे पास में ब्लैक इलेक्ट्रोटेक कंपनी की तरफ से। तो चलिए फटाफट इसे खोल लेते हैं और देखते हैं कि हमें इसमें क्या क्या चीजें मिलती है और इसका कनेक्शन कैसे करना है और आप किस तरह से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, खोलेंगे तो हमें मिलेगा ये रिमोट कंट्रोल सेट, जिसके साथ में एक डिवाइस है, एक रिमोट है जो वायरलेस रिमोट है, और एक साथ में सेल मिलेगा जो कि हमें रिमोट में डालना है, और साथ में मिलेगा एक वॉशर जिसके अंदर काफी सारे प्रोडक्ट दे रखे हैं। और ये है ब्लैक इलेक्ट्रोटेक, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी है जहां पे आप देख सकते हो www.black.in के नाम से। तो यहाँ पे भी आप जाके इनके प्रोडक्ट देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है। अगर ये डिवाइस आपको पसंद आता है, अमेजोन से खरीदना है, तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ पे क्लिक करके आप इसे खरीद सकते हैं। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को पूरा देख लीजिए कि किस तरह से हम इसके कनेक्शन करेंगे और किस तरह से आपको ये यूज करना है। तो हमारा डिवाइस कुछ इस तरह से आता है, जिसमें कुछ वायरिंग दे रखी है, जिसमें हमें न्यूट्रल फेस और चार कंट्रोलर लगाने हैं, मतलब कि चार डिवाइस आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि दो पंखे, दो ट्यूबलाइट आपने कनेक्ट कर लिया और उसके बाद में आपको इस रिमोट कंट्रोल के जरिए उसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। और इस रिमोट के साथ में मिलेगा एक होल्डर जहां पे आप अपने पलंग के आसपास उसे लगा सकते हैं, जहां पे ये अटका हुआ रह जाएगा। तो चलिए मैं फटाफट इसे कनेक्ट करके दिखाता हूं, जिससे आपको भी समझ में आएगा कि इसे किस तरह से कनेक्शन करना है और आपको यूज करना है। तो देखिए फ्रेंड, ये हमारे पास में एक स्विच बोर्ड है। इस बोर्ड के अंदर हमारे पास में एक ये फैन का कनेक्शन है और एक ये लाइट का कनेक्शन है और एक ये मल्टी कलर लाइट का कनेक्शन है और एक है ये सॉकेट का। तो हम इन चारों बटन के कनेक्शन हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि हमारा जो डिवाइस है वो चार रिले वाला है, मतलब चार डिवाइस उसमें कनेक्ट हो सकते हैं। और ये वाला जो है ये हमारा एसी का है, तो इसे हम नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि एसी जो है वो हाई एम्पियर का होता है और हम जो है इस पे मिनिमम 10 एम्पियर तक का लोड डाल सकते हैं इस डिवाइस के ऊपर। तो चलिए मैं फटाफट इसे खोल लेता हूँ और यहीं पे हम उसे कनेक्ट करेंगे। तो देखिए, ये हमने पूरा बोर्ड यहाँ पे खोल दिया है और जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे ये चार स्विच है, उन चारों स्विच के कनेक्शन हम इन चारों में कर लेंगे। देखिए, ये है ए, बी, सी और ये डी, ये कनेक्शन है। और ये देखिए, ये न्यूट्रल और ये फेस है। ये न्यूट्रल जो है वो ब्लैक कलर की है और ये रेड कलर में हमें फेस डालना है। और ये जो ब्लैक है, ये दोनों एक ही है, अंदर से एक ही जगह पे जुड़े हुए हैं, लेकिन ये कॉमन है। अगर हम कोई डिवाइस को यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे फेस दे रहे हैं, तो उसे कॉमन में हमें न्यूट्रल ऐसे देना होता है। तो वो अगर करना है तो आप कर सकते हो, नहीं तो इसे टेप मार के साइड में छोड़ दो, इससे फिर आपको छेड़ना नहीं है। तो ये कॉमन है, इसे हमें कहीं पे भी यूज़ नहीं करना है। बस हमें ये जो है ये चारों के कनेक्शन यहाँ पे करने हैं और हमें न्यूट्रल फेस देना, क्योंकि न्यूट्रल तो ऑलरेडी जो है सब जगह पे पहुँचा हुआ है। तो इस वायर को मैं काट के यहाँ पे मैं इसमें टेप चिपका देता हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने इसके ऊपर मैंने वायर के ऊपर टेप मार दी है। अब यहाँ पे मैं न्यूट्रल की जगह पे न्यूट्रल और फेस की जगह पे फेस मैं लगा दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं जो है ये चारों के कनेक्शन यहाँ पे जोड़ के टेप मार के फिर न्यूट्रल फेस दूंगा। तो चलिए मैं खोल लेता हूँ ये पंखे का। तो ये पंखे का यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ से हम इसे खोल लेंगे इस तरह से। अब देखिए, यहाँ पे सबके मन में एक छोटा सा कन्फ्यूजन होगा, अगर हम ये डिवाइस अगर ख़राब हो जाता है और अगर हमें बटन इस्तेमाल करना है तो हम बटन इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर हम इस तरह से वायर निकाल के डायरेक्ट यहाँ पे जोड़ देंगे तो हम बटन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम इस वायर के साथ में सीधा इसे बटन में डाल देंगे और सपोज़ कीजिए कि ये डिवाइस अगर किसी टेक्निकल इश्यू की वजह से ख़राब हो जाता है, तो आप बटन का भी इस्तेमाल कर पाएंगे। अदरवाइज़ आपको ये सारे बटन बंद रखने हैं और आपको इसे रिमोट कंट्रोल से एक्सेस करना है। इससे आपके डिवाइस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना ही आपका डिवाइस ख़राब होगा। अगर आपको लगेगा भाई इधर से फेस इसमें चला जाएगा तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी या कुछ खराबी हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर आपके यहाँ पे थ्री फेस है और सपोज़ कीजिए कि इन दोनों बटनों में एक फेस अलग लगा हुआ है और इन दोनों बटनों में एक फेस अलग लगा हुआ है और आप यही चीज़ इसमें करेंगे, तो गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि फेस से फेस टकराएगा, अलग अलग फेस टकराएगा तो गड़बड़ हो सकती है। इसलिए वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अब हमारे केस में हमारे यहाँ पे ये जो बटन है ये सारे आपस में यहाँ पे जुड़े हुए हैं और इसमें एक ही फेस आया हुआ है, इसलिए हम जो है इनको डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्शन करके सीधे स्विच में डाल देंगे और स्विच को रखेंगे बंद और सीधे सीधे हम इससे रिमोट कंट्रोल से ऑन ऑफ करेंगे। तो चलिए, मैं यहाँ पे ये जो नीली वायर है ये मैं पंखे के लिए लास्ट में इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि ये नीली कलर की है, तो इसे मैं यहाँ पे लगा देता हूँ।
फिर उसके बाद में जो इसमें एक सेल लगता है रिमोट के अंदर, वो हमें यहाँ पे डाल लेना है। ये हमने यहाँ पे इसमें सेल डाल दिया और ये हमने इसके जो है पूरे कनेक्शन कर दिए, देखिए। और उसके बाद में अगर ये डिवाइस अगर आपके इस पैनल के अंदर घुस जाता है, जगह है, तो आप इसे इसमें डाल सकते हैं, वरना आप यहाँ पे एक कील लगा के इसे साइड में यहाँ पे हैंग कर सकते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, बस ये वायरें आपको थोड़ी सी नज़र आएगी। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे एक बार फिर से समझा देता हूँ। मैंने ये चारों कनेक्शन चारों स्विच के ऊपर कर दिए है, ये हमने यहाँ पे फेस लगा दिया है और ये ब्लैक कलर की हमने न्यूट्रल यहाँ पे लगा दी है और ये पूरे कनेक्शन यहाँ पे हो चुके हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो रिमोट है ये 20 मीटर की दूरी तक आराम से एक्सेस कर सकता है। और इसमें आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको डिवाइस की तरफ यूँ पकड़ेंगे तभी ये काम करेगा, आप इसे यूँ ढक के रखेंगे तब भी काम करेगा। अगर आपके रूम के अंदर बाथरूम भी है, आप बाथरूम में जाके भी आप इसे ऑन ऑफ करेंगे तब भी ये काम करेगा। तो ये वायरलेस रिमोट है, ये आपको टीवी की तरह नहीं है कि टीवी के सामने जब आप पकड़ेंगे तभी ये काम करे। तो चलिए मैं इस बोर्ड को जो है मैं फटाफट बंद कर देता हूँ और फिर मैं आपको इसे चालू करके दिखाता हूँ कि कैसे ये चालू हो रहा है, कैसे काम कर रहा है। तो देखिए फ्रेंड, ये हमने यहाँ पे इसे हैंग कर दिया। अब हम चाहे तो यहाँ पे एक कील लगा के इसे यहाँ पे रोक सकते हैं, तो मैं फिलहाल तो इसे ऐसे ही छोड़ूंगा। अब आप यहाँ पे देख लीजिए कि मैं इसे जो है रिमोट से किस तरह से चालू करता हूँ। ये देखिए, जैसे ही मैं ये सारे ऑन कर दूंगा तो जितने भी ये चार बटन के ऊपर चीज़ें लगी हुई है वो सारी की सारी ऑन हो जाएगी। हम इस सॉकेट में एक लाइट लगाते हैं और ये देखिए मैं इसे आपके सामने यहाँ पे रख देता हूँ। अब जैसे मैं ये ऑन करूँगा रिमोट से, ये सारी की सारी चीज़ें ऑन हो जाएगी। ये देखिए ये चालू हो गई। अब मैं इसे ऑफ़ कर दूंगा तो ये सारी की सारी एक साथ सारी चीज़ें ऑफ हो जाएगी, कोई भी चालू नहीं रहेगी। तो देखिए मैं यहाँ पे दूर आ गया हूँ। अब मैं यहाँ से इसी रिमोट से मैं है ना सारी चीज़ें यहाँ से ऑन कर दूंगा। ये देखिए ये सारी चीज़ें ऑन हो गई और जैसे ही मैं इसे ऑफ़ का बटन को दबाऊंगा तो ये सारी की सारी चीज़ें बंद हो जाएगी। ये देखिए बंद हो गई। जैसा कि मैंने बताया था, सी पे हमारी कलरफुल लाइट है, ये मैंने बंद कर दी। डी पे हमारी प्लग वाली लाइट है, जो स्टार वाली आपने देखी थी, ये देखिए ये चालू हो गई स्टार वाली लाइट, ये मैंने बंद कर दी। और बी पे हमारी एक ट्यूब लाइट है, ध्यान से देखिए ये चल गई, ये बंद हो गई। और ए पे हमारा पंखा है, लेकिन पंखा नहीं चलेगा क्योंकि पंखे में जो है दिक्कत है, इसलिए पंखा नहीं चलेगा। तो ये है वायरलेस रिमोट का कमाल। अच्छा, इसमें अगर आप ये सोचेंगे कि पंखे के जो स्पीड है वो हम कम ज़्यादा कर सकते हैं क्या, तो देखिए इसमें पंखे की स्पीड कम ज़्यादा नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एक पैनल आता है, जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हो, ये पैनल आपको लगवाना पड़ेगा। ये पैनल थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन यह पैनल लगाने के बाद में आपके पूरे एक पर्टिकुलर रूम के अंदर सारी चीज़ें वायरलेस हो जाएगी, प्लस स्विच के ज़रिए भी आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको स्विच के ज़रिए भी मैं चालू करके दिखाता हूँ, स्विच के ज़रिए ये चालू होता है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे सारे स्विच है, ये मैंने पंखे का चालू किया, पंखा नहीं चलेगा। और ये मैंने लाइट का चालू किया, ये देखिए लाइट चालू हो गई। ये रहा रिमोट, ये रिमोट को मैं नहीं छेड़ रहा हूँ, मैं यहाँ पे रख देता हूँ। और ये मैंने बंद कर दी लाइट, और ये एक लाइट मैंने चालू कर दी, ये बंद कर दी। ये मैंने सॉकेट चालू कर दिया, ये थोड़ी सी पिन हिल जाती है यहाँ पे, तो ये हमने चालू कर दी और ये बंद कर दी। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी टेक्निकल इशू से अगर ये डिवाइस ख़राब हो जाता है तो आप स्विच का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको अगर स्विच का इस्तेमाल नहीं करना है तो सारे स्विचों को आपको बंद रखना है और उसके बाद आप इस रिमोट के ज़रिए सारी चीज़ें ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो दोस्तों यह है इनकी ऑफिशियली वेबसाइट, आप यहाँ पे भी आके विजिट कर सकते हैं, यहाँ पे भी काफ़ी सारे इनके प्रोडक्ट दे रखे हैं और यहाँ से भी आप कोई भी प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं और अमेजोन से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। देखिए अमेजोन पे भी इनका ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, 4 चैनल ओनली, और यहाँ पे इसकी प्राइस देख रहे होंगे 596 रुपये यहाँ पे उपलब्ध है। और अमेजोन के ऊपर भी इनका ऑफिशियली पेज होता है जहाँ पे इनके सारे प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि कितने सारे इनके प्रोडक्ट अवेलेबल है, आप यहाँ से भी कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। ये देखिए पंखे का जो मैं बता रहा था, पंखे का कंट्रोलर, वो भी आप यहाँ से खरीद सकते हैं। तो हाँ जी, फिर कैसा लगा आपको ये डिवाइस, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक दे रखे हैं, वहाँ पे क्लिक करके आप इसे अमेजोन से या इनकी ऑफिशियली वेबसाइट से खरीद सकते हैं। मुझे तो काफ़ी पसंद आया, तो मैंने और 2-3 ऑर्डर कर दिए हैं, मैं अपने घर में लगाने वाला हूँ। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, तो देखिए मैं हूँ थोड़ा सा आलसी, जब मैं काम में बैठा हुआ होता हूँ तो मुझे उठने का दिल नहीं करता कि मैं उठ के पंखा चालू कर दूँ या उठ के लाइट चालू कर दूँ। सीधे सीधे रिमोट से ऑन कीजिए और ऑफ कीजिए, बस अपने पास में सारे 2-4 रिमोट लेके रख दूंगा और उसे सारी चीज़ें ऑन ऑफ कर सकते हैं।
तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपका लाइक ही मेरी मेहनत का फल है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन सके और यहाँ से कुछ सीख सके। और मेरे मन को शांति मिलेगी अगर आप नीचे लाल बटन है सब्सक्राइब का उसको क्लिक करके घंटी का बटन दबाएंगे। अगर आपने पहले से दबा रखा है तो थैंक यू सो मच, पहली बार आए तो दबा के जरूर जाइए ताकि जब भी नया वीडियो डाले उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर के, कुछ और इंटरेस्टिंग लेकर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।